नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से 17 दिसंबर तक चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 15 से 17 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र उत्तर प्रदेश चलेगा। अनुपूरक बजट लेखानुदान पेश करेगी सरकार। कई मुद्दों को लेकर इस दौरान विपक्ष भी सरकार को घेरेगा। हंगामेदार होने वाला है ये शीतकालीन सत्र, जिसमें अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और वो भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र होगा उत्तर प्रदेश सरकार का। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार इसीलिए कहे जा रहे हैं। और 15 तारीख यानी कल से ही ये शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो कि 17 दिसंबर तक चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल के बीच शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र की तारीख आ गई है। 15 तारीख यानी कल दिन बुधवार से शुरू होगा, 17 दिसंबर तक चलेगा। अनुपूरक बजट लेखानुदान पेश करेगी सरकार। साथ ही साथ में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर था और इस शीतकालीन सत्र में रहेगा। तो कल अयोध्या जाएंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। करीब 11 राज्यों के मुख्यमंत्री रामनगरी जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम और उनके परिवार राम मंदिर निर्माण कार्य भी देखेंगे। सभी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्रियों की पत्नियां खरीदारी भी वहां पर कर पाएंगी। लोकल फॉर वोकल के तहत बाजारों में ये खरीदारी करेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान के पास, अयोध्या में जो भी दुकानें होंगी वहां से खरीदारी करेंगे। अयोध्या जिला प्रशासन ने ये प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण कार्य को देखेंगे सभी मुख्यमंत्री। 11 ऐसे राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य जहां के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नियां, पूरा परिवार जाएगा और एक अहम जिम्मेदारी दी गई है सभी को और ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोकल फॉर लोकल के तहत वहां पे जो स्थानीय सामान बिकते हैं उसको की भी खरीदारी करेंगे। अयोध्या जिला प्रशासन ने प्रोटोकॉल जारी कर दिया, कुछ इस तरीके से होने वाला है कल अयोध्या में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ये दौरा। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में दिव्य काशी भव्य काशी आयोजन का हिस्सा बनने के बाद देश के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, जहां सभी दिग्गज रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। साथ ही मंदिर निर्माण कार्य भी देखेंगे। सभी मेहमानों को दिव्य दर्शन कराने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री कल अयोध्या में रामलला का दर्शन भी करेंगे। रामलला का दर्शन करने के बाद जहां एक तरफ 2022 के चुनाव में सुर्खियों में गर्माहट आएगी, वहीं 2024 के चुनाव को लेकर भी उपलब्धि भाजपा के लिए कम ना होगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दे, तो महीना आ गया है सामने जब विधानसभा का चुनाव होगा। फरवरी में यह चुनाव हो सकता है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में। अगले महीने तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। 6 से 8 चरण में यह चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि 6 से 8 ऐसे चरण होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बीच कराया जाएगा। फरवरी वो महीना होगा उसमें ये चुनाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के, और मार्च के महीने में ये मतदान हो सकते हैं और वहां पर गिनतियां भी हो सकती हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय काशी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने यहां बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सरकार की नीतियों योजनाओं के प्रचार प्रसार, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम स्वव्रेत महामंदिर धाम पहुंचे, जहां विहंगम योग के 98 वार्षिकोत्सव का संबोधन उन्होंने किया, संबोधित लोगों की किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का यह अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपने अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आज समय की मांग है। इस सिद्धि के लिए
काशी जैसे हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। हमारी सभ्यता के ये प्राचीन शहर पूरे विश्व को दिशा दिखा सकते हैं। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी की इस धरती पर हुआ है, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, उन्हीं के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में बाबा विश्वनाथ का धाम राष्ट्र को समर्पित हुआ है और आज यहां पर सदगुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज किस कर्म भूमि पर आप सभी श्रद्धालुओं से संवाद बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया है। पीएम मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, कॉरिडोर जनता को समर्पित किया, साथ ही वो कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शरीक हुए। अखिलेश यादव से जब पीएम मोदी के लंबे वक्त बनारस में रहने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक महीना, दो महीना, तीन महीने वहीं रहें, बहुत अच्छी बात है, वही जगह रहने वाली है, आखिरी समय में लोग वहीं रहते हैं बनारस में। अब बीजेपी अखिलेश के इस बयान को ओछी प्रतिक्रिया बता रही है और बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि काशी का कायाकल्प और भारतीय संस्कृति का बढ़ता गौरव अखिलेश को पच नहीं रहा है। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और एक महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक महीना नहीं, दो महीना, तीन महीना वहीं रहें, अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। वही अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको दिखाते हैं। श्रमिकों का अपमान है, मोदी का अपमान नहीं है, प्रदेशवासियों का अपमान है, देशवासियों का अपमान है, कभी गरीब उनको माफ नहीं करेगा, कोई उनको आना पड़ेगा काशी विश्वनाथ दर्शन करने और माफी मांगने के लिए, बाबा सद्बुद्धि देंगे। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो हैं वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित हैं, वो जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित हैं और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर अखिलेश यादव के दिए बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश के बयान को बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने शर्मनाक बताते हुए कहा है कि अखिलेश की मानसिकता खराब हो गई है, अखिलेश के बयान से उनकी सोच दिखती है। साथ ही सुब्रत पाठक ने कहा कि पीएम मोदी के काम से जनता खुश है, आगामी चुनाव में जनता अखिलेश को जवाब जरूर देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिया गया तुच्छ बयान कि प्रधानमंत्री उनको आखिरी समय पर काशी में रहना चाहिए, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। औरंगजेब की मानसिकता का पालन करने वाले यह लोग, जिन्होंने अपने पिता को ही गद्दी से उतार कर फेंक दिया हो, वो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से प्राचीन हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है और अखिलेश यादव जी अपने समय मिलने पर केवल हाउस बनाते रहे, आज यही उनकी हताशा है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भव्य काशी विश्वनाथ धाम का जो आज लोकार्पण हुआ है, आज उसी की हताशा में दिया हुआ इनका यह बयान है। ये पूर्ण रूप से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं।
तो अखिलेश ने हिंदू संस्कृति का भी अपमान किया है, ये बड़ी बात कही है आज सुब्रत पाठक ने, बीजेपी नेता और सांसद। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वहीं बीजेपी सरकार एक महीने तक काशी में कई कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस मुद्दे पर अब सियासत तेज हो गई। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या है ये पूरा माजरा। समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। सुना आपने, सपा मुखिया अखिलेश यादव क्या बोल गए। दरअसल अखिलेश यादव से पीएम के काशी दौरे और बीजेपी के काशी में एक महीने के कार्यक्रम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तंज में ही लेकिन विवादित बयान दिया। फिर से सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। बनारस में आज प्रधानमंत्री और एक महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक महीना नहीं दो महीना तीन महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनके इस बयान को औरंगजेब और जिन्ना की मानसिकता वाला बताया। वहीं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव के बयान की तीखी आलोचना की। ये श्रमिकों का अपमान है, मोदी का अपमान नहीं है, प्रदेशवासियों का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। कभी गरीब उनको माफ नहीं करेगा, उनको आना पड़ेगा काशी विश्वनाथ दर्शन करने और माफी मांगने के लिए, बाबा सद्बुद्धि देंगे। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो है वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित है, वो जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित है और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का राहुल गांधी पर ये पलटवार हुआ है। राहुल गांधी को खुद में झांकना चाहिए, ये बात कही है सिद्धार्थनाथ सिंह ने। राहुल को खुद की कमियां देखनी चाहिए, राहुल गांधी को ट्यूशन लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी सरकार को ट्यूशन की जरूरत है, राहुल के ट्यूशन लेने से कांग्रेस का भला होगा, ये बात इसके पलटवार में, इसके जवाब में सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज कही है। राहुल के ट्यूशन लेने से कांग्रेस का भला होगा, ये बात कही है। लखनऊ में शिया सेंटर वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। 22 जगहों के मुतावलियों को ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगली बोर्ड की बैठक तक का समय दिया गया है। मुतावलियों को दिए गए समय सीमा में दर्ज करना होगा अपना बयान। शिया यतीम खाने में शिकायतकर्ता भी, शिकायतों पर भी कार्रवाई होगी। लखनऊ और लखनऊ के बाहर शिया बोर्ड में हो रहे जमीनों के घोटाले को लेकर ये जांच के आदेश निर्देश दिए गए हैं। फर्जी जमीन बेचने के मामले की भी तफ्तीश होगी, जांच कराई जाएगी। फर्जी जमीन बेचने के मामले की जांच होगी। अब शिया सेंटर वक्फ बोर्ड ने यह नोटिस जारी कर दिया है। लखनऊ से यह बड़ी खबर है। लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जो मुतवल्ली हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगली बोर्ड की बैठक तक का ये समय दिया गया है, इस पर अपना स्पष्टीकरण दे। समय सीमा में बयान दर्ज कराने होंगे। शिया बोर्ड का शिया यतीम खाने में शिकायतों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ और लखनऊ के बाहर शिया बोर्ड में हो रहे जमीनों के घोटाले को लेकर ये जांच के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी जमीन बेचने के मामले की भी जांच बोर्ड कराएगा। लखनऊ से ये बड़ी और अहम खबर। एसके वाजपेयी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, क्या है ये पूरा मामला?
बिल्कुल, सिया वक्फ बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन ने सभी मुतवल्लियों की बैठक बुलाई थी जिसमें सभी बोर्ड के सदस्य मौजूद थे और उसमें विभिन्न बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से सिया वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं और पहले भी इस तरीके के आरोप जब वसीम रिजवी चेयरमैन हुआ करते थे उस दौरान भी इस तरीके के आरोप लगे थे, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो भी पट्टे हैं वो पट्टे निरस्त करने के निर्देश वर्तमान चेयरमैन ने दिए। साथ ही साथ सभी मुतवल्लियों की एक बैठक बुलाई है जिसमें तकनीकी खराबी से संपर्क टूट गया है एसके वाजपेयी का, लेकिन जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं इसके बारे में। एसके वाजपेयी भी, हमारे सहयोगी भी आपको बता रहे थे किस तरीके से ये बैठक बुलाई गई है और अगली बोर्ड की बैठक तक का समय दिया गया है। जमीनों को फर्जी तरीके से बेचने का पूरा मामला है। एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं, एक बार अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, मैं बता रहा था कि जिस तरीके से लगातार वक्त संपत्तियों को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसको दूर करने के लिए अब वक्त चेयरमैन ने सभी मुतवलियों को नोटिस भेजा है जिसमें अगली बोर्ड बैठक के बीच में सभी मुतवलियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा और जिस पर सिया वक्फ बोर्ड अपना फैसला सुनाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के बाहर जो सिया वक्फ बोर्ड की जमीनों का आवंटन हुआ था उसको लेकर लगातार आरोप लगे थे, कहीं ना कहीं उन आरोपों को अब पूरी तरीके से जांच के बाद इस पर एक्शन लेने की तैयारी है। धारा 52 के तहत जितने भी पट्टे सिया वक्फ बोर्ड की तरफ से किए गए थे उनको निरस्त किया जाएगा। साथ ही साथ जो पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी हैं, चूंकि वो सदस्य भी थे, साथ ही साथ मुतवल्ली के पद पर भी वो तैनात थे, लेकिन उनके धर्म बदलने की बात से अब उनको भी वहां से हटना पड़ा और उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया क्योंकि बोर्ड उनके खिलाफ में सदस्यता समाप्ति का प्रस्ताव ला रहा था। जी बहुत शुक्रिया वाजपेयी हमसे जुड़ने के लिए। इसके वाजपेयी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे लखनऊ से, जो बता रहे थे कि किस तरीके से फर्जी जमीन बेचने का पूरा मामला और कब तक समय दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।